हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमारे पास गूगल की तरफ से ये वाला लेटर आ गया है। तो अगर आप एक यूट्यूबर है और आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है तो आपको इस लेटर के बारे में पता होगा। लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर नहीं है या फिर आपका यूट्यूब चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूँ कि ये गूगल एडसेंस का पिन वेरीफिकेशन का लेटर है। जब हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है और हमारे एडसेंस में $10 कम्प्लीट हो जाता है तब हमें आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ता है और उस समय हम जो भी एड्रेस डालते हैं उस एड्रेस पर गूगल हमें 2-3 सप्ताह के बाद ये वाला गूगल एडसेंस का पिन वेरिफिकेशन का लेटर भेज देता है। तो इसमें एक पिन होता है जिसे हमें अपने गूगल एडसेंस में डाल करके वेरीफाई करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपने गूगल एडसेंस का पिन वेरिफिकेशन किस प्रकार से करना है और हम यहाँ पर लाइव अपने एडसेंस का पिन वेरीफाई करके आपको दिखाएंगे। एंड साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास ये वाला गूगल एडसेंस का पिन वेरिफिकेशन का लेटर नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इस लेटर को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले 3 लेयर होता है, ये वाला और यहाँ पर एक और एक नीचे। लेकिन यहाँ वाला ऊपर वाला और नीचे वाला लेयर तो पहले से ही फटा था, पता नहीं पोस्ट ऑफिस में मैंने जब लेने गया था तो यहाँ पर मैंने ऊपर का और नीचे का लेयर फटा हुआ देखा। तो चलिए हम यहाँ पर इसे फाड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का दिखता है गूगल एडसेंस का पिन वेरिफिकेशन। यहाँ पर पिन दिया गया है और यहाँ पर स्टेप्स दिया गया है जिसे पढ़ करके आप अपने गूगल एडसेंस का पिन वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और अपना गूगल एडसेंस का पिन वेरीफाई करके आपको दिखाते हैं। तो गाइस चलिए हम यहाँ पर अपने गूगल एडसेंस से लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने गूगल एडसेंस से लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर लिखा है वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस, वी मेल्ड यू अ पिन ऑन September 7, 2021, इट शुड टेक 2 or 4 weeks टू अरिव, मतलब 2 या 4 सप्ताह में पहुंच जाता है। और जब 7 सितंबर को जब भेज दिया गया था तो 20 दिन के बाद मैंने अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर के देखा तो वहां पर गूगल एडसेंस का पिन आ गया था। तो चलिए हम यहां पर वेरीफाई पर क्लिक करते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं अपना पिन। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वेरीफाई पर क्लिक करा यहाँ पर लिखा है आइडेंटिटी वेरीफिकेशन कम्प्लीटेड एंड एड्रेस वेरीफिकेशन नीड्स अटेंशन, यानी कि यहाँ पर मुझे अपने 6 डिजिट का पिन डालना होगा और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा, उसके बाद हमारा पिन वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है यू हैव 3 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग, यानी कि 3 बार में मुझे भरना होगा, 3 बार से अधिक बार मुझे यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया जाता है भरने का। एंड यहाँ पर लिखा है रिसेंट पिन, तो यहाँ पर आप रिसेंट पिन पर क्लिक करके आप इस तरह का पिन दोबारा अपने एड्रेस पर ले सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ 3 बार ही ऑप्शन दिया जाता है रिसेंट पिन का, 3 बार से ज़्यादा बार आप नहीं भेज सकते हैं। और अगर आप 3 बार भेज देते हैं लेकिन 3रे बार भी आपके पास इस तरह का गूगल एडसेंस का वेरिफिकेशन पिन लेटर नहीं आता है तो आखिरी बार आपके पास एक ऑप्शन रहता है अपने आधार कार्ड से पिन को वेरीफाई करने का। तो अगर आपके पास इस तरह का लेटर नहीं आता है गूगल एडसेंस पिन वेरिफिकेशन का तो लास्ट में आप अपने आधार कार्ड से पिन वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपने गूगल एडसेंस का वेरीफिकेशन पिन डाल देते हैं। तो मेरा गूगल एडसेंस का वेरीफिकेशन पिन है 43 73 57। तो चलिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं 43 73 57 और हम यहां पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीटेड यहां पर आ गया है, यानी कि मेरा गूगल एडसेंस का वेरिफिकेशन पिन यहां पर सबमिट हो गया है और मेरे गूगल एडसेंस का एड्रेस वेरीफाई हो गया है। तो गाइस इस तरह से आप अपने गूगल एडसेंस में पिन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि किस तरह से आपको अपने पिन वेरिफिकेशन लेटर के लिए अप्लाई करना है तो मैं आपको बता दूं कि जब आपके एडसेंस में $10 कम्प्लीट हो जाता है तो उस समय सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ता है और उसी समय आपको एक एड्रेस डालना पड़ता है। तो आप जिस एड्रेस पर पिन वेरीफिकेशन लेटर चाहते हैं आइडेंटिटी वेरीफिकेशन के वक्त आपको वही एड्रेस डालना है। तो जब आपका आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगा तो कुछ दिन के बाद यानी कि 2-3 सप्ताह के बाद गूगल आपके एड्रेस पर ये वाला वेरीफिकेशन पिन लेटर भेज देगा। तो गाइस किस तरह से आपको अपने गूगल एडसेंस में आइडेंटिटी वेरीफिकेशन करना है अगर आप ये नहीं जानते हैं तो फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।